बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, बहुत कम लोग जानते हैं कि जापान को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। जापानी सकाफत पूरी दुनिया को मुतासर करती है। इन्हें देखकर ऐसे लगता है ये लोग हमारी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और कायनात में रहते हैं। जापान के चंद आउटस्टैंडिंग फैक्ट्स के बारे में जानने से पहले सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर दें, सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। नंबर वन, फ्रेंड्स, जापान में मर्द शादी के लिए ऐसे प्रपोज करते हैं जैसे लोग किसी शेफ की खिदमात हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपनी गर्ल फ्रेंड से पूछ सकता है, क्या तुम हर रोज मेरे लिए सूप पकाओगी, या फिर क्या तुम मेरे कपड़े धोने और मेरे साथ वाली कब्र में दफन होने के लिए तैयार हो। जिसका मतलब है इनकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि इनके मरने के बाद भी कायम रहे। किसी को ऐसे प्रपोज करने का तरीका सच में बहुत अनयूजुअल है। लेकिन अपनी मंगेतर को प्रपोज करने से पहले अपने और लड़की के पेरेंट्स की मंजूरी लाजमी होती है। नंबर टू, फ्रेंड, जापान में कुछ लोग पूरा पूरा साल साइबर कैफे में गुजार देते हैं। जापान में तमाम लोग इतने अमीर नहीं होते कि वो अपार्टमेंट किराया पर ले सके या फिर कैप्सूल होटल में एक कैप्सूल हासिल कर सके। कम तनख्वाह वाले लोग साइबर कैफे को क्यामगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कैफे इंटरनेट के अलावा ऐसे लोगों को मुफ्त शावर और मशरूब भी देते हैं। इन जगहों पर रहने की कीमत कैप्सूल होटल के मुकाबले में बहुत कम है। नंबर थ्री, फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे, जापान में बिल्ली या कुत्ता भी स्टेशन मास्टर बन सकता है। आपने रोमन शहंशाह कैलीगुला के बारे में पढ़ा होगा जिसने अपने घोड़े को सेनेटर बनाया था। जापान के वाकायामा सिटी में किसी रेलवे स्टेशन पर एक बिल्ली स्टेशन मास्टर के आला ओहदे पर फाइज है। इस बिल्ली ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग में भी हिस्सा लिया। इसके मरने के बाद हजारों लोग इसकी ताजियत के लिए आए। इसे क्रीबी शंतु के मजार में एक रूहानी देवी के तौर पर सजाया गया। इसके बाद इसकी सीट एक कुत्ते नितामा ने संभाली। अजीगा सावा रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर भी एक कुत्ता है जिसका नाम वासाओ है। इसने भी एक फिल्म में एक्टिंग की है। हर साल सयाहों की एक बड़ी तादाद इस कुत्ते से मिलने आती। सच में ये बहुत ही क्रेजी है। नंबर फोर, फ्रेंड, जापान में सैलाबी नालों का एक पूरा सिस्टम है जिसे गप्ता कहते हैं। इन नालों का पानी बहुत साफ होता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह लोग इन नालों में कूड़ा नहीं फेंकते और ना ही इन नालों में सेवरेज का पानी दाखिल किया जाता है। इन चैनल्स में मछलियाँ आजादाना तैरती रहती। इस पानी को पीने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चैनल्स मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर बनाए जाते हैं। निचले हिस्से बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बर्तनों में बचा हुआ खाना मछलियाँ खा जाती। अगर आप गंदी प्लेट को कुछ देर के लिए इस चैनल में छोड़ देते हैं तो आपको इसे धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मछलियाँ सब कुछ खा जाए। नंबर फाइव, आपने अक्सर सुना होगा लोग बिल्लियों के साथ वक्त गुजारने के लिए कैफे में जाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्लियों को पसंद नहीं करते तो फिर क्या होगा? फ्रेंड्स, जापान में जानवरों के कैफे की बहुत सारी इकसाम है, जैसे बकरी कैफे, बनी कैफे और उल्लू कैफे। टोक्यो में फोकोरोनो माइस नाम का एक उल्लू कैफे है। ये जगह इतनी मशहूर है कि लोग उल्लू से बात करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। इस कैफे में सिर्फ मशरूब सर्व किए जाते हैं। उल्लू से बात करने पर आपको $17 अदा करने पड़ते हैं। नंबर सिक्स, जापान में एक सालाना त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम हडाका मत्सोरी है। इस त्यौहार में हजारों मर्द शरीक होते हैं। ये तमाम मर्द नंगे होते हैं या सिर्फ लंगोट पहनते हैं। जापान में लोग इस बात को मानते हैं कि मर्दों की उरियानियत काली ताकतों और बदकिस्मती को खत्म करती है। इस त्यौहार में शामिल होने वालों की अक्सर नाक टूट जाती है। अगर उनकी नाक बच जाए तो जिस्म के दूसरे हिस्से जरूर जख्मी हो जाते हैं। नंबर सेवन, जापान में काली बिल्ली पर इतना इत्कार किया जाता है कि आपको पूरे जापान में कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो काली बिल्ली को बैठे देखकर सड़क क्रॉस करने का फैसला करे। जापानियों का मानना है काली बिल्ली खुशकिस्मती की अलामत है। सिंगल औरतें काली बिल्लियों की सबसे खुशकिस्मत मालक होती। कहा जाता है इस औरत के बहुत ज्यादा चाहने वाले हो। फ्रेंड्स, आपने ऐसे आउटस्टैंडिंग फैक्ट्स जापानियों के अलावा किसी और कौम के बारे में नहीं सुने होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर भी कर दे। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।